खबर देपालपुर इंदौर से। आइसोलेट सेंटर पहुंचे पूर्व विधायक मनोज पटेल। मरीजों से पूछी इलाज और भोजन की व्यवस्था। जहां कोरोना महामारी के संक्रमण से आम जनता के साथ जनप्रतिनिधियों में भी भय का वातावरण देखा गया। पूर्व विधायक मनोज पटेल ने बुधवार को देपालपुर के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा की और व्यवस्था की सराहना। पटेल ने मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक पटेल ने देपालपुर में चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करते हुए यहाँ इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से उनका हालचाल जाना। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सेंटर समस्त विकास खंडों में संचालित किए जाएं। देपालपुर के सेंटर में पर्याप्त मात्रा में दवा की उपलब्धता देखकर उन्होंने अधिकारियों की सराहना की। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नगर परिषद कर्मचारी, पुलिस जवान, राजस्व अमले की सराहना की। भर्ती कोरोना संक्रमितों को संस्था निर्भय द्वारा दिए जा रहे भोजन व्यवस्था का भी दर्शन। परिणय पैलेस में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष गोपाल कटेसरिया, भाजपा नगर महामंत्री मुकेश जैन, नगर भाजपा प्रभारी ईश्वरी प्रकाश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि अजय आहूजा, भाजपा पूर्व पार्षद विमल यादव, महेशपुरी गोस्वामी, गोपाल मोदी, श्याम गोयल, भरत यादव, गणेश राठौर, जीतू माली, सोमिल माली, अन्य नेता मौजूद थे। भोजन वगैरह अच्छा मिलेगा कि नहीं? नमक मिर्ची कम है ज्यादा? टाइम क्या से मिलेगी? हाँ ये सब आज देपालपुर कोविड सेंटर में आकर के अच्छा लगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पर जो पॉजिटिव केस के पेशेंट है वह बहुत संतुष्ट है, सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। मुझे उनसे चर्चा करने में अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ अब तो कमी बताओ जो कमी हम दूर कर सके। माता बहनों से भी पूछा, पुरुषों से भी पूछा, दादाओं से भी पूछा, सबसे पूछा मैंने कि अगर बहुत संतुष्टि हुई। और मुझे लगता है कि इस सेंटर के माध्यम से हम कई लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे और देपालपुर में जो कोरोना महामारी की जंग के खिलाफ आप हम सब लड़ रहे हैं, इस जंग को, इस लड़ाई को जल्द ही हम कोरोना मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ से भी मिला मैं, उनसे भी मैंने चर्चा करी, उनसे भी पूछा कि आपको कोई दिक्कत हो, यहाँ परेशानी हो, स्टाफ में कोई आवश्यकता हो तो आप हमें बताएं। वो भी यहाँ अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा जो यहाँ लगी हुई है, चाहे वो नगर पंचायत की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, प्रशासनिक हो, तहसील की हो, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छे से मेहनत करके, घर का काम समझ करके, अपने घर परिवार के व्यक्ति समझ करके यहाँ लोगों की वो चिंता कर रहे हैं, सारे कर्मचारियों की। अभी मैंने देखा नगर पंचायत के कर्मचारी साफ सफाई में भी लगे हुए थे। मैंने अचानक आया था और अचानक यहाँ देखा, अचानक देखने पर भी यहाँ नगर पंचायत के कर्मचारी साफ सफाई अच्छी कर रहे थे। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए देपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।